इस साल अब तक 160 लोग बिहार में बिजली गिरने और बाढ़ की वजह से मारे जा चुके हैं, 110 लोग असम में मारे गए हैं, 70 लाख लोग प्रभावित हैं असम में, 3000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुकी है। बिहार की बात करें तो 50% से ज्यादा आबादी हर साल बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है, जबकि असम में 40% की जो लैंड है वो हर साल बर्बाद हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया है और क्यों हम बाढ़ के सामने हर साल और बार बार इतने लाचार नजर आते हैं, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। दोस्तों, बिहार और असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। बाढ़ में डूबे गांवों के लोगों को इनका कोई अंदाजा नहीं है कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। इन लोगों को रोज सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पानी जम जाने की वजह से कई तरह की बीमारियां भी यहां फैलने लग गई हैं। बिहार और असम में बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए अब नाव भी एक सहारा जो थी वो अब नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि लोगों को पीने का साफ पानी भी अब नहीं मिल रहा है। बिहार के 8 जिलों में तबाही। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी आंखें दिखाने लग गई है, सड़कें पानी में बह गई हैं। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न हो चुका है। मानसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं तोड़ने लगती हैं, क्योंकि इनको सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी होता ही नहीं है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर बन गया है। वही कमला बलान नदी भी रुद्र रूप दिखा रही है। दोस्तों, वही चाय बागानों की खुशबू से महकने वाला असम इस साल भी पानी में डूब रहा है। यहाँ के 33 में से 30 जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1.28 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, जबकि 110 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है कि असम और बिहार में ही बार बार बाढ़ आती है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते से नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। उत्तर बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और कटिहार जिले में बाढ़ का पानी घुस गया है। कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा समेत उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है वो अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है। इसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिले में बाढ़ आ जाती है। वही दोस्तों, अगर बात असम राज्य की करें तो ये देश का एक ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। इसका कुल एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में है और बाकी का बचा 22,222 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम का कुल 31,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, यानी असम का जितना एरिया है उसका करीब 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, जबकि देश भर का 10.2% हिस्सा ही बाढ़ से प्रभावित होता है। दोस्तों, अब आंकड़ों के जरिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि 1979 के बाद से बिहार ने बाढ़ की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी झेली है। दोस्तों, बाढ़ की वजह से 1979 से लेकर अब तक बिहार में करीब 9,000 लोगों की जान गई है, जबकि 26,000 जानवर मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 7.70 करोड़ हेक्टेयर जमीन भी बिहार की बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। बाढ़ की वजह से 3.37 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर जिसमें की फसल लगी थी वो भी बर्बाद हो चुकी है और इसकी वजह से तकरीबन बिहार को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के मकान भी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गए। दोस्तों, ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं
वो लोग एक बार फिर से उठकर आएंगे और बिहार और असम के लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर इंसानियत है और अगर हम और आप जिंदा हैं और किसी के काम नहीं आए तो फिर इस जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि जो हमारे भाई बिहार में परेशान हैं, जो हमारे भाई बहन असम में परेशान हैं, उनके लिए जिस रूप में भी हम मदद कर सकें वो मदद करने की कोशिश करें। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि क्या गरीब लोगों के आंसू इस बाढ़ में धुल जाते हैं? क्या यही एक वजह है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर वजह कुछ और है, या फिर हमारी कोई और लाचारी है?